हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं 8th क्लास का जो बुक है हनी ड्यू, उसका 4th चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट नंबर 6 लेकर आपके सामने हूँ। आइए अपन इस लेसन को शुरू करें। इसके पहले सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स में गेटिंग ऑफ, उतरते हुए, स्लाइटेस्ट, जरा सा, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर, एक्विंटेंस, परिचय, पिकनिकर, सैलानी, बोल्डर, बड़ा पत्थर, केम राउंड, होश में आया, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, असाइलम, पागलखाना, शॉवर, स्नान, क्लैम्प्ड, बंधा हुआ, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, गो थ्रू, पूरा पढ़ना, एफ्लुएंस, संपन्नता, डाउन ऑन दी लक, बुरा समय, रिट्रीब्यूशन, सजा के रूप में, कंसीडर, विचार करना, प्रेस्क्राइब, नुस्खा लिखना। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली प्रातः रांची में गाड़ी से उतरते हुए उन्हें तत्काल ऐसा महसूस हुआ कि वह वहाँ पहले कभी नहीं आए थे। He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आए, took a taxi, एक टैक्सी ली, and ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए कस्बे में चारों ओर घूमे, यानी कि भ्रमण किया। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोरबाड़ी हिल विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस। उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने महसूस किया कि गलियाँ, इमारतों, होटलों, बाजारों, मोरबाड़ी पहाड़ियों, इनमें से किसी के साथ भी उनकी जरा सी भी जान पहचान नहीं थी, जरा सा भी उनका परिचय नहीं था। वुड ट्रिप टू दी हुडू फॉल्स हेल, क्या हुडू प्रपात की यात्रा उनकी मदद करेगी? ही डिडेंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था, किंतु साथ ही वो इस इच्छा के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने पूरा प्रयास नहीं किया। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हर्डू इन द आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर बाद हुडरू के लिए निकल पड़े। 8:05 द सेम आफ्टरनून इन हुडरू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। हुडरू में उसी शाम दोपहर बाद 5 बजे सैलानियों के एक दल में से 2 गुजराती सज्जनों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए पाया। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वॉज आई एम फिनिश्ड। जब उन्हें होश आया, केम राउंड यानी जब उन्हें होश आया, तो पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही वो थी, मैं ख़त्म हो गया, देयर्स नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्हें लगा कि वास्तव में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, शीघ्र ही उन्होंने सारी उम्मीद या आशा छोड़ दी। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपनी कार्य करने की इच्छा, आत्मविश्वास, अपनी योग्यता और अपना दिमागी संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम 8, क्या वह किसी पागलखाने में समाप्त होने वाले हैं? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और अधिक नहीं सोच पाए। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्र एंड आस्क हिम टू कम ओवर। वापस घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन कर आने के लिए कहा। रैंग अप माने फ़ोन किया। देन आफ्टर ए शॉवर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। फिर नहाने के बाद सिर पर बर्फ़ की थैली बांधकर वो बिस्तर में घुस गए।
जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। ठीक तभी नौकर ने उन्हें एक पत्र लाकर दिया जो किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक हरा लिफाफा जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर नाम यानी नाम के ऊपर लिखा हुआ था आवश्यक एवं गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। अपनी हालत के बावजूद भी बिपिन बाबू ने महसूस किया कि वो पत्र पूरा पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप। उन्होंने लिफाफे को फाड़ते हुए खोला एंड टुक आउट द लेटर और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रीड। और उन्होंने जो भी कुछ था वो ये पढ़ा। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मुझे जरा भी अनुमान नहीं था कि अमीरी आप में ऐसा परिवर्तन कर देगी जैसा कि आया है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन इज लक। क्या आपके लिए बुरे समय में एक पुराने मित्र की मदद करना इतना कठिन था? आई हैव नो मनी। मेरे पास धन नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन। मेरे पास जो भी कुछ है वो एक कल्पना शक्ति है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन ए रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। जिसके एक भाग का मैंने आपके क्रूर व्यवहार की सजा देने के रूप में उपयोग किया है। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। खैर, अब आप पुनः बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ए नोवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर। एक प्रकाशक मेरे लिखे एक उपन्यास पर गौर कर रहा है। इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि उसे वो पर्याप्त ठीक लगी, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मुझे अगले कुछ महीनों में उससे सहारा मिल जाएगा। यावर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंद्र केम बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंद आए तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जो ही मैं रांची में गाड़ी से उतरा सब ठीक हो गया था। सेड डॉक्टर चंद, ए यूनिक केस। सेड डॉक्टर चंदा, चंदा ने कहा, अनूठा मामला है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं निश्चित रूप से इसके बारे में एक चिकित्सा पत्रिका में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। बिपिन बाबू ने कहा, वह कारण जिसके लिए मैंने आपको बुलाने भेजा यह है कि रांची में मेरे गिर पड़ने से मेरे कूल्हे में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, यदि आप मुझे कोई दर्द निवारक नुस्खा लिख दें। तो दिस लेसन हैज़ बीन कम्प्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसके वीडियो के लास्ट में, उनको कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.